Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva is a English Joe. जैसा काम आप देख रहे हैं मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ. आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर डिस्कशन करेंगे. हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH टाइप सेंटेंसेस और यस नो टाइप सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं. मैं सामान्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही साथ कुछ विशेष दशा वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर भी डिस्कशन करूंगा. ठीक है, तो इसके लिए कुछ मूल जो मूल यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आधार है, किस आधार पर आप एक एक्टिव वॉइस को जो इंट्रोगेटिव में होगा उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे. आइए सीधे चलते हैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लेकर के. लेकिन जैसा कि प्रमोशन के लिए मैं आपके फिर से एक बात कहना ही चाहूँगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दीजिए, अपनी समस्याएँ लिखिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ. यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं. आपको पता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंसेस जिसमें आप सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरा होता है यस नो टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना ही पड़ता है. ये सब बातें मैंने बता रखी हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, आप उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो अगर कोई यस नो टाइप का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो वो जनरली दिखता कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. उसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, उसके बाद सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो जाएगा. और अगर इस तरह का कोई भी एक्टिव वॉइस आपको दिखता है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते वक्त क्या परिवर्तन करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज जो होगा आपको बता रखा मैंने टेंस टेबल, उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा. यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी. उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. आपको पहले से ही पता होगा पैसिव वॉइस में हमारी जो एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स हैं उनका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज किया जाता है. उसके बाद आप बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि कभी मैंने बता रखा कभी कभी क्या होता है कि बाय प्लस सब्जेक्ट यानी जो एजेंट है जिसके द्वारा काम किया गया होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. किन दशाओं में, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं कि किन दशाओं में बाय प्लस सब्जेक्ट या बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस डूअर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और फाइनली सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो जाता है. जो दूसरे तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसमें सेंटेंस का जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन वर्ड से ही होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको एस नो टाइप वाली मिलेंगी. ठीक है, इसमें कुछ विशेष सेंटेंसेस मिलते हैं, उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे उस तरह के सेंटेंस लिख रखे हैं. मैं बताऊंगा किस तरह का कौन सा परिवर्तन उसमें किया जाता है, क्या अवश्यंभावी आपको दशाएं देखने को मिलेंगी और उस पर क्या सतर्कता बरतनी, इस पर विशेष सतर्क रहिएगा. तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. यहाँ पर मैंने इसको बाय के सब्जेक्ट को ब्रैकेट में ही लिखा है क्योंकि वो दशाएं आती हैं कि जब हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं करते. तो आइए एक एक करके मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये लिखे हुए एग्जांपल्स जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं. चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं. पहला सेंटेंस है डू यू टीच हर. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क से फिनिश है, यानी ये यस नो टाइप का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. एक्टिव वॉइस कैसे है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते वक्त करना क्या, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है, लेकिन इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर. हर का सब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, शी. तो शी के साथ आप उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, इज, यानी इज शी. ठीक है, उसके बाद आपको क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां पर टीज, टीज की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट. तो इस सी टॉट फिर लगाएंगे बाइक की
यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि उसी के द्वारा काम किया गया, प्रमुखता भी उसकी है। तो इज सी टॉट बाई यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेबल मैंने टेंस चार्ट बना के रखा है आपके लिए, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, ठीक है। दूसरी वीडियो है एक्टिव पास्ट पैसिव पास्ट की, उस पर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसा परिवर्तन होता है, किस दशा में कौन से परिवर्तन अवश्यंभावी होते हैं, इस पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। दूसरा अगर ऑब्जर्व करें तो डिड आई नॉट बाय द बुक, यहां पर डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव पास्ट जाता है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या, द बुक, तो सिंगुलर नंबर है, यहां मिलेगा वाज द बुक, वाज द बुक, साथ ही सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हम इसका नेगेशन वर्ड भी यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, बॉट, बॉट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे और हमारा सब्जेक्ट आई का, ठीक, ऑब्जेक्टिव इज मी, ये एकदम आसान है। Has anyone stolen this, his pen? यहाँ पर anyone है सब्जेक्ट, मैंने बता रखा कि जब कोई मास नाउन या अननोन सब्जेक्ट होता है जैसे जानना पहचाना नहीं गया है उसको हम by plus सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, अर्थात उसका विलोपन कर देते हैं। जैसा मैंने वहां लिख रखा है कि सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं कि हर बार आए ही, तो इस तीसरे सेंटेंस में नहीं आएगा। As है his pen, his pen सिंगुलर नंबर में है तो has ही लगेगा क्योंकि प्लूरल होता तो have लगाते, तो has his pen, ठीक है। उसके बाद टेंस का चेंज है, has been लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है जिसमें आपको परेशान ही नहीं होना, तो has his pen been stolen। अब आप सोचेंगे कि by anyone लगा, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे मास नाउंस या ऐसे सब्जेक्ट को जिसके बारे में कंफर्मेशन या एग्जैक्ट वही है ये पता ना हो। फिर अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस है शैल वी हैव डन दिस, ठीक है। शैल, शैल अभी बी के हिसाब से शैल लगा हुआ है, अब अगर दिस हमारा ऑब्जेक्ट है जब इसको आगे लाएंगे तो इसके लिए हमें मिलेगा विल दिस, ठीक है। अब हैव है, आपको पता है टेंस चेंज में जाते हैं तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी डन और उसके बाद आप बाई अस लगा सकते हैं, तो विल दिस हैव बीन डन बाई अस। तो इस तरह से ये जो चार सेंटेंसेस आपने देखे हैं ये यस नो टाइप सेंटेंस के एग्जांपल हो सकते हैं। अब जो यहां पर है ये डब्ल्यू एस टाइप में है, सतर्कता यहां पर खास करके बरतिएगा। दो तो मैं सिंपल से सेंटेंसेस लिख के लाया हूं लेकिन नीचे के चारों काफी महत्वपूर्ण है, इसमें कई तरह के परिवर्तन संभव है। वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, तो ऐसे में देखिए क्वेश्चन वर्ड एज इट इज वही रखना है तो मैं क्वेश्चन वर्ड को नहीं छेड़ता हूं वाई। अब दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, यहां पे आर है, लेटर सिंगुलर नंबर है तो इज लग जाएगा, वाई इज दिस लेटर। अब वर्ब में आई एन जी है तो यहां पर बीइंग भी लगेगा, बीइंग, फिर उसकी थर्ड फॉर्म जाएगी तो यहां पर हो जाएगा रिटन, ठीक है। तो why is this letter being written by you, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यहां पर एक लग जाएगा। अब इसके दूसरे सेंटेंस की बात करें, why had they to kill the birds, परेशान बिल्कुल मत होइए कि गलत लिख दिया सबने सेंटेंस, बिल्कुल नहीं, had है और यहां to kill है, आपके हिसाब से यहां पर killed होना चाहिए था क्योंकि पास्ट परफेक्ट का संभावना आपको नजर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए पहले, why had they to kill the birds, यहाँ पर to kill यानी जब had के साथ infinitive आता है यानी has के साथ infinitive, have के साथ infinitive जब आते हैं तो यहाँ उन्हें वो कार्य मजबूरी में करना पड़ता है या उसे जबरदस्ती करवाया जाता है, यानी पर यहाँ पर जो सब्जेक्ट they है वो चिड़िया खुद नहीं मारते, उन्हें मारना पड़ता था, यानी कि why had they to kill the birds, उन्हें चिड़ियों को क्यों मारना पड़ता था, ये इसका अर्थ है। अगर आप यहां लिख देते दे वाई हैड दे किल्ड द बर्ड्स तो चिड़ियों को क्यों मारा करते थे या मार चुके थे या मार दिया था, इस तरह से सेंटेंस, या मारा करते थे कि क्योंकि यार टू किल है हैड के साथ,
इसका तरीका मैं स्पेशल रूल्स में बता चुका हूं कि अगर इन्फिनिटिव्स आते हैं तो टू बी के साथ इस्तेमाल होता है। तो उसी फॉर्म में हम चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखेंगे। वाई, अब यहाँ बर्ड्स है तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हेड दोनों के लिए लगता है। हेड हम अपने ऑब्जेक्ट द बर्ड्स को यहाँ पर उठा के लाते हैं, ठीक है। अब टू बी किल्ड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है टू बी किल्ड। अब दे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यानी वाई हैड द बर्ड्स टू बी किल्ड, ठीक है, चिड़ियों को क्यों मारा गया। अब तीसरे सेंटेंस पर फोकस करते हैं, हु रोट द रामायण। आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि इस तरह जिसमें हु आता उसके दो तरह के पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं, एक बाई हुम से और एक हु बाई से। तो बाई हुम जनरली बहुत पुराना सिस्टम है, लगभग ये धीरे धीरे मुझे लगता विलुप्त हो जाएगा, अब नया वाला सिस्टम चलेगा। मैं दोनों से आपको बताता हूँ। पहला तरीका है मैं हु के साथ बताता हूँ, आप हु क्वेश्चन वर्ड उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ पर रोट है पास्ट इंडेफिनिट है, रामायण सिंगुलर नंबर है तो आपको सहायक क्रिया मिलेगी वॉज, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को ले आइए द रामायण, द रामायण, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा दीजिए रिटेन, क्योंकि हु है यहां पर बाई आएगा, ये हो गया, यानी हु वॉज द रामायण रिटन बाई। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम यहीं पर लगा दें बाई हु, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हु एक ऐसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसके तीनों केसेस होती हैं, हु सब्जेक्टिव केस में है, हु ऑब्जेक्टिव केस में और हु पॉजिटिव केस में। तो वही आ गया, देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए वॉज, बाय हुम वॉज द रामायण, द रामायण, रामायण रिटन, ये आपका होगा। थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, आप दोनों में से जनरली अब ये नहीं यूज होता है, अब ज्यादातर इसी तरह के इंटरचेंजेस अप्लाई होते हैं। अब यहां पर देखिए हु हैज स्टोलन दिस पेन, ये भी उसी तरह से दोनों तरीके से बन सकता है, मैं एक तरीके से बना के आपको दिखा देता हूं, आप बाकी कोशिश करिएगा। हु है तो मैं हु को हैज इट इज लिख लेता हूं, हु, अब यहां पर हैज है, दिस पेन सिंगुलर नंबर है तो हैज ही हो सकता है, अगर यहां पेन्स होता तो दो जो पेन्स होता तब यहां मुझे हैज लगाना पड़ता। तो यहां पर हु हैज दिस पेन तो बीन लगेगा, स्टोलन बाय, ये हो गया, यानी हु हैज दिस पेन बीन स्टोलन बाय। अब अगर अगले पांचवे की तरफ पढ़े, ये कुछ खास है, हुम है, देखिए हु नहीं है ऑब्जेक्टिव, हुम विल यू बीट, तुम किसको पीटोगे, तो क्वेश्चन वर्ड ये रखें, बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हु एक सब्जेक्टिव केस का है, हु ऑब्जेक्टिव केस में या सामने सामने दिख रहा है, तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाए, इस पर विशेष सतर्कता रखिएगा, खास करके ये नीचे के जो दो सेंटेंसेस हैं इस पर आप खास ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन हु का ध्यान रखते हुए, हु एक ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस है, ठीक है, तो मैंने कहा इसको आप बदलिए पहले इसके सब्जेक्टिव केस में, हु वर्ब है इसका, विल आपको पता पैसे मिल जाएंगे तो विल सेल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका बीटन, हु विल बी बीटन बाई, और इसका सब्जेक्ट है यू। ये विशेष नियम है, ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि हु कहां से आ गया, मैं बताया अभी आपको हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो उसको उसकी प्लेस चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, विल बी होगा विल का, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, उसके साथ बिल भी लगेगा थर्ड फॉर्म, बाय यू आपका पीछे चला जाएगा, उसका सब्जेक्ट देखिए यू है। अब उसी तरह से विच बॉय डिड इट, विच बॉय डिड इट, इसको भी पैसिव वॉइस में बनाना तो कैसे बनेगा, मैं आपको फिर इसको बता देता हूं, विच बॉय, ठीक है, अब आपके पास सहायक क्रिया क्या है, डिड है, पास्ट इंडिफिनिट, वॉज मिलेगी, विच बॉय वॉज was, ठीक है, फिर क्या होगा, it beaten, sorry, it
Which boy was it done by? ठीक है, by वहां पर. तो which boy did it? अब आप सोच रहे हैं मैंने यहां पर सेंटेंस जो लिखा which boy did it, किस लड़के ने किया, तो which boy, अब आप did देखिए past indefinite है, past indefinite में सहायक क्रिया आपको was मिलती है और was के साथ आपको मिलता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिड की, यानी डू डिड डन, थर्ड फॉर्म आपकी डन हो जाएगी. इसी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बाई यहां पर लगाना है. अब आप पूछ सकते हैं कि यहां क्यों लगाया भाई, जैसे आपने हु के लिए इस्तेमाल किया था कहां पे, यहां पर देखिए बाई यहां लग जाता है, यहां पर देखिए यहां लग जाता है, तो विच के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होती है. तो विच बॉय एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन चिपका पड़ा, उसे आप अलग नहीं कर सकते. वॉज कहां से मिलेगा, डिड देखिए सेकेंड फॉर्म है तो वॉज मिला, ऑब्जेक्ट आपका इट है, इट गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय आपका यूज किया गया. तो इस तरीके से आप देखेंगे नीचे के जो दो सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव, इस पर आप खास करके ध्यान दीजिएगा. अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो सावधानी रखिएगा उसको पैसिव वॉइस में बदलने की. तो इस तरीके से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना देखा, सॉरी इंटरचेंज नहीं कर सकता मैं, चेंज करना सीखा आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में. तो फिर जाते जाते मैं कहूँगा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.